सो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी ई पाठशाला में। मेरा नाम है दिनेश और हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज नंबर 2.2 शुरू करी थी, जिसमें से हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक कंप्लीट कर लिए हैं, है ना। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8। तो चलिए देखते हैं। बस इसमें सिंपल सी हमको क्या करनी है, इक्वेशन है, हमको वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। चलो आ जाओ, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। यानी कि हमारे पास जो एक इक्वेशन दे रखी है, ये है लीनियर इक्वेशन, है ना, और हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे कर देते हैं हम इसको सॉल्व। चलो देखो, यहाँ पे क्या है, ए बी प्लस सी, ये हमने पहले ही पढ़ा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है ना। सामने दिख रहा है बिल्कुल, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। चलो कर दे, यहाँ पे 3t - 9 = 5 × 10t प्लस 5 × 5। वेरिएबल वाली टर्म एक साथ रखनी है, 3t यहाँ पे, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पे लिख दो और यहाँ पे राइट हैंड साइड लिख दो, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे वेरिएबल वाली टर्म है और यहाँ पे वेरिएबल वाली टर्म है। यहाँ से यहाँ पे आएगी, साइन चेंज कर देगी, यहाँ प्लस की थी, यहाँ पे माइनस का। यहाँ पे 5 पहले से है, रहने दो, -9 इधर जाएगा तो प्लस का 9। यहाँ पे कितना हो जाएगा, -70 = यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 और 5 = 14। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -14/7। तो यहाँ पे t की वैल्यू आ जाएगी -2। t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, आसानी से सॉल्व हो गया, है ना। चलो क्वेश्चन 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है देख लेते हैं। यहाँ पर वही करना है, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे यहाँ से मल्टीप्लाई, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई = 0। कर दो 15y - 15 × 4 = 60 - 2y + 2 9 = 18, ठीक है, +5y + 6 × 5 = 30 = 0। वाई वाली टर्म को जो प्लस की है उनको एक साथ सॉल्व करो, प्लस की टर्म यहाँ पर है, प्लस की टर्म यहाँ पर है ना, और यहाँ पे क्या है माइनस की, तो 15 और 5 = 20, 20y, यहाँ -2y, और कौन है इसके साथ, कोई भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, +18 और -30, तो यहाँ पे कर दो 30 और 48 +48 - 60 = 0। 20y - 2y कितना हो जाएगा, यहाँ पे 18y, है ना, 18y, यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे कितना दे, 60 में से 48 जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12 = 0। आ गया सिंपल सा, इतना सबका आ गया होगा, है ना। अब देखो ये 12 यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको यहाँ से लेफ्ट साइड से उठा के राइट साइड में भेज दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 12, माइनस का था तो वहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। वाई को यहीं छोड़ो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 12/18, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे वाई की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे वाई की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। कंप्लीट हो गए क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, अब हम मिलेंगे अपने अगले क्वेश्चनों के साथ, ठीक है। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।